हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी एडमिशन 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 पैट 2023। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स का सेक्शन, इस सेक्शन पर यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पीईटी 2023 महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। ये जो पीडीएफ है बहुत ही फास्ट है, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म टू फील्ड ऑनलाइन फ्रॉम 02/12/2023 टू 16/12/2023, यानी कि आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे 2 दिसंबर 2023 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक। ओके, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप सभी को हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इस एड्रेस पे आप सभी को हार्ड कॉपी सेंड करना है या फिर बाई हैंड भी आप सभी सबमिट कर सकते हो, एलोंग विद द प्रूफ ऑफ फीस एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आप सभी को एप्लीकेशन फ़ी का जो रिसिप्ट है वो भी आप सभी को अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ओके, और जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप सभी को सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। मैं आपसे एक बताया था, अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000, यानी कि 3000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 2500, यानी कि 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि आप सभी को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि है 16 दिसंबर 2023 फॉर ऑनलाइन सबमिशन, यानी कि 16 दिसंबर 2023 तक आप सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिशन कर पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 22 दिसंबर 2023 फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर पीईटी 2023, यानी कि हार्ड कॉपी सेंड या फिर सबमिट करने का लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2023। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर 22/12/2023 5 PM विल नॉट बी एंटरटेन इन एनी केस, यानी कि 22 दिसंबर 2023 5 बजे तक आप सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गिवन एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। ओके, 5 बजे के बाद अगर आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म अगर रिसीव्ड होता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड बाई स्पीड पोस्ट और बाई हैंड एंड नॉट बाई कुरियर और एनी अदर एजेंसी, यानी कि आप सभी को अगर आप सभी बाई पोस्ट के थ्रू से अगर भेजना चाहते हो तो आप सभी को सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजना है। ओके, कोई भी अदर मोड यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ स्पीड पोस्ट ही आप सभी स्पीड पोस्ट से ही आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है भेजिएगा। ओके, या फिर आप सभी बाई हैंड सबमिट कर सकते हो। ओके, कोई भी अदर मोड से अगर आप सभी जैसे कि कुरियर या फिर कोई भी एजेंसी के थ्रू से अगर सेंड करते हो तो भी आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है जो कि है 08/02/2024 12 PM to 2 PM। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, पूरा डिटेल्स में आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 50% जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा। ओके, और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया, फॉर फाइनल सिलेक्शन अ वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो वेटेज रखा गया 70% एंट्रेंस टेस्ट के लिए रखा गया और 30% परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू ऑफ वाइवा वॉस सेल बी गिवेन, यानी कि वाइवा वॉस के लिए 30% रखा गया, टोटल 100 के बेसिस में मेरिट बन के आएगा। ओके, नेक्स्ट सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट एज गिवेन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वेबसाइट में आप सभी को सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 31/01/2024, यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे 31 जनवरी 2024 से। ओके, आप सभी को वेबसाइट में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, आप सभी को डाउनलोड कर लेना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस फॉर सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू स्पीड पोस्ट और बाई हैंड ओनली। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मेंशन कर दिया गया आप सभी को सिर्फ स्पीड पोस्ट से या फिर आप सभी बाई हैंड सबमिट कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। ओके यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया फुल एड्रेस आप सभी को इस एड्रेस पे सेंड करना है या फिर जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है बाई हैंड सबमिट करना है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर पीएचडी, कौन कौन से डिपार्टमेंट यानी कि सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ओके यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है देन सब्जेक्ट देन नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंट सीट्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 57, केमिस्ट्री 48, कॉमर्स 12, कंप्यूटर साइंस 6, एडुकेशन 10, इंग्लिश 64, इन्वायरमेंटल साइंस 20, ज्योग्राफी 52, जियोलॉजी 8, हिंदी 26, हिस्ट्री 34, होम साइंस 5, जेनोलॉजी 3, मैथमेटिक्स 12, माइक्रोबायोलॉजी 10, फिलोसफी 7, फिजिक्स 35, पॉलिटिकल साइंस 47, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2, पंजाबी 2, संस्कृत 14, सोशियोलॉजी 8, उर्दू 2 एंड जूलॉजी में है 31। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं 515। ओके नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन फ़ी मेंशन कर दिया गया है जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड, अगर आपके पास 4 साल का बैचलर्स डिग्री है और उसके बाद में अगर आप सभी ने 1 साल का मास्टर्स डिग्री करा है या फिर 3 साल का बैचलर्स डिग्री के बाद में अगर 2 साल का मास्टर्स डिग्री अगर कंप्लीट करा है तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके और मास्टर्स डिग्री में आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके और जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को मार्क्स में 5% का रिलेक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओके उन सभी कैंडिडेट्स के पास अगर 50% मार्क्स भी है मास्टर्स डिग्री में रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके और अगर आपके पास में एमफिल डिग्री भी है विद 55% ऑफ मार्क्स तो भी आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देख सकते हैं पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड, अगर आप से पार्ट टाइम मोड से अगर पीएचडी करना चाहते हो तो भी आप से कर सकते हो, उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन द एमसीक्यू बेस्ड रिटन एंट्रेंस टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि आप सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा तो ही आप सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ओके और जो फाइनल मेरिट जो है वो टोटल 100 मार्क्स में बन के आएगा। ओके 70% वेटेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए रखा गया, 30% इंटरव्यू और वाइवा वोस के लिए। ओके नेक्स्ट और भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे कोर्स वर्क डिटेल्स दिया गया है। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च वर्क यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम 6 ईयर्स फॉर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स एंड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स फॉर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। ओके आप सभी और भी डिटेल्स में चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट दिया गया देख सकते हैं, अगर आप सभी कोई भी क्वायरी हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे क्वायरी रेज कर सकते हो। ओके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेल आईडी दे दिया गया है। ओके इस मेल आईडी में आप सभी कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डे भी मेंशन कर दिया गया है। ओके तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप सभी गिवन मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। ओके या फिर आप सभी ऑफिस आवर्स में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में जाके। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस ही मेंशन कर दिया गया, सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सेक्शन ए जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही रहेगा
रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर मैं स्क्रॉल डाउन करके आप सभी दिखा देता हूँ, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंस ऑफ बुक्स भी यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग आप सभी चेकआउट कर सकते हो। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपसे को नोटिफिकेशन बता दिया है। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे को बता देता हूँ आपसे कैसे अप्लाई करना है। तो आपसे को बैक ऑप्शन पे चले आना है। बैक ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर PET एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन होने के बाद में आप सभी को इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।